अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर निखत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आपको घर में कौन कौन सी दवाइयाँ रखनी चाहिए। न्यू बॉर्न से लेके 2 साल तक के बच्चे, अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो बता नहीं पाते कि उन्हें क्या तकलीफ है, और हम भी कई बार समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या तकलीफ हो रही है और वो रोते रहते हैं, चिड़चिड़ करते रहते हैं। लेकिन 3 से 5 साल के बच्चे ये बता सकते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके नहीं पहुँच पाते हैं। तो उस वक्त तक बच्चों को तुरंत आराम मिलने के लिए कुछ दवाइयाँ आपके घर में होना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि बच्चों के लिए किन किन कंडीशन में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं और कितनी मात्रा में यूज़ की जाती हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है थर्मामीटर। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो आपको थर्मामीटर रखना ज़रूरी होता है। थर्मामीटर में देखकर ही आप फीवर को कैलकुलेट कीजिए। 100 या उससे ऊपर टेम्परेचर रहा तो ही आप फीवर के लिए मेडिसिन दीजिए। थर्मामीटर बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। ये हिक्स का डिजिटल थर्मामीटर है, आप भी इसे मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इसके बाद है पैरासीटामॉल। ये पैरासीटामॉल का ड्रॉप है, ये सैरप फॉर्म में है, और ये है आइबुजेसिक प्लस। इसमें आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामॉल दोनों कॉम्बिनेशन है। ड्रॉप 1 साल से छोटे बच्चों में दिया जाता है। न्यू बॉर्न बेबीज़ जो 3 महीने तक होते हैं, इन्हें 5 बूंद दे सकते हैं। 3 महीने से 6 महीने तक बच्चे को 8 से 10 बूंद दिया जाता है, और 7 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे को आप 1 ml दे सकते हैं। 1 साल से ऊपर के बच्चे को पैरासीटामॉल सिरप दिया जाता है। आइबुजेसिक प्लस भी फीवर के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन अगर बच्चे को चोट लग गई हो, बच्चा गिर गया हो और उसे पेन हो, तो भी आइबुजेसिक प्लस दे सकते हैं। लेकिन आप आइबुजेसिक प्लस को अवॉइड कीजिएगा, आप प्लेन पैरासीटामॉल ही घर में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है पेट दर्द के लिए दवाई। तो कई बार बच्चे के पेट में गैसेज होती है या दर्द होता है, तो वो बता नहीं पाते हैं और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ हो रही है, और बच्चा काफ़ी चिड़चिड़ करने लगता है, रोने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कोली के ड्रॉप इसे देंगे तो उसे काफ़ी रिलीफ हो जाता है। तो कोली के ड्रॉप ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दवाई है जो आपके किट में होना चाहिए। आप 3 महीने तक के बच्चे को इसे 5 ड्रॉप दीजिए। 3 महीने से 9 महीने तक बच्चे को आप 6 से 10 बूंद दे सकते हैं, और 1 साल तक के बच्चे को आप 1 ml भी दे सकते हैं। इसके बाद है ममा अर्थ का ईजी टमी रोल ऑन। इससे भी बच्चे को काफ़ी रिलीफ होता है। ये रोल ऑन है, बस इसे आपको बच्चे के पेट पर रोल करना है और थोड़ी देर में बच्चे को काफ़ी रिलीफ हो जाता है अगर उसे गैस वगैरह की प्रॉब्लम हुई है तो। इसके बाद है मेडिसिन वॉमिटिंग के लिए। अगर बच्चे को बार बार उल्टियाँ हो रही हैं या डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो उसे आप डोमिस्टॉल ड्रॉप दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप 1 साल तक के बच्चे को 5 बूंद तक पिला सकते हैं, इससे काफ़ी जल्दी इफेक्ट मिल जाता है। और 1 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो आप उसे ओंडम सिरप भी दे सकते हैं, 2 से 2.5 ml तक। तो अगली दवाई है सर्दी ज़ुकाम के लिए। तो अगर बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हो गया हो, या नाक से आँख से पानी आ रहा हो, या बार बार छींकें आ रही हो, आप उसे एट्रेक्स ड्रॉप दे सकते हैं। 6 महीने तक के बच्चे को आप 5 से 10 बूंद तक दे सकते हैं। 6 महीने के ऊपर आप 0.5 ml तक के दे सकते हैं। अगर बच्चे को रैशेज आ गए हो या ईचिंग हो रही हो, तो ये एट्रेक्स ड्रॉप काफ़ी इफेक्टिव होता है। उससे रैशेज में और ईचिंग में काफ़ी रिलीफ हो जाता है। अगर बच्चा काफ़ी चिड़चिड़ कर रहा है या उसे नींद नहीं आ रही है, तो इस एट्रेक्स ड्रॉप से बच्चे को नींद भी आ जाती है। 1 साल से ऊपर के बच्चे के लिए आप सर्दी ज़ुकाम के लिए टिमिनिक सिरप दे सकते हैं, 2.5 से 3 ml। अगर सर्दी ज़ुकाम की वजह से बच्चे के नाक बंद हो गए हों और छाती में जकड़न हो, तो नाक बंद होने की वजह से बच्चा बार बार वॉमिटिंग भी करता है, तो आपको चाहिए कि आप बच्चे को फीड कराने के 15 मिनट पहले बच्चे के दोनों नॉस्ट्रिल में नेजोक्लियर नेजल ड्रॉप डालें, बच्चे के नोज़ पे और चेस्ट पे बेबी रब लगाएं। इससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। इसके बाद है कफ के लिए मेडिसिन। अगर बच्चे को ज़्यादा खांसी है तो आप निकोलाइट ड्रॉप दे सकते हैं। 6 महीने तक के बच्चे को आप इसे 5 से 10 बूंद दीजिए, और 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को आप इसे 1 ml तक दे सकते हैं। 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप कोफ्रिल एलएस सिरप दे सकते हैं। लूज़ मोशन के लिए आप स्पोरोलेक्स सैशे दे सकते हैं। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो आप इसे माँ के दूध में मिक्स करके इसे दीजिए। 6 महीने के बाद इसे पानी में मिक्स करके दीजिए। इसके बाद है क्रीम एंड ऑइंटमेंट। तो ये है डायपर रैश क्रीम, बिफोर नैपी क्रीम। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है। ये तो हर मदर के पास होना ही चाहिए। आप हर बार डायपर पहनाने के पहले बिफोर नैपी क्रीम ज़रूर अप्लाई कीजिए। इससे कभी भी आपके बच्चे को डायपर रैशेज नहीं होंगे। इसके बाद है ऑइंटमेंट। कभी बच्चे को कुछ चोट लग जाए या कट लग जाए, तो ये बहुत ही जल्दी इससे ज़ख्म भर जाते हैं। उसके बाद है फिसिडिक एसिड क्रीम। ये भी चोट के लिए लगाई जाती है, या कभी बच्चे को कोई फुंसी या रैशेज आ गए तो उसके लिए भी लगा सकते हैं। इसके बाद है मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स। पीडियाट्रिशियन एडवाइस करते हैं कि बच्चे को 2 साल तक मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते रहना चाहिए।
तो एक साल से कम के बच्चों को आप ड्रॉप दे सकते हैं, वी सिनरल जेड या ए टू जेड ड्रॉप भी दे सकते हैं। एक साल से ऊपर के बच्चों को आप श्योरविट सिरप भी दे सकते हैं, और ये है ओसोपान डी सिरप कैल्शियम एंड विटामिन D3। ये आप न्यूबॉर्न से लेके 2 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है या उसे भूख नहीं लगती है तो आप ये दोनों सिरप उसे दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके देने के बाद बच्चे को डेफिनेटली भूख लगती है और बच्चा अच्छा पेट भर खाना खाने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। तो मामा अर्थ का रिव्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मामा अर्थ के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही नेचुरल है, केमिकल फ्री है। तो मैं मामा अर्थ अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। मामा अर्थ का ये बॉडी लोशन है, मामा अर्थ का बेबी रोल ऑन है बच्चे के पेट दर्द के लिए, मामा अर्थ की ये बेबी फेस क्रीम है, ये बहुत ही अच्छी है, बेबी का फेस और स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। बेबी मसाज के लिए मैं फिगारो वाली यूज़ करती हूँ और बेबी वाइप्स। तो फ्रेंड्स, ये थी वो सारी मेडिसिन जो आपको आपके घर में आपके बच्चों के लिए रखना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में किसी भी मेडिसिन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इवन आधी रात में भी ये दवाइयों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो ये सारी दवाइयाँ आपके पास होना ज़रूरी होता है। आप एक किट बनाइए और उसमें ये सारे मेडिसिन के ड्रॉप या सिरप ज़रूर रखिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी, और अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।